रोहित शर्मा के बाद अब सूर्य कुमार यादव की बारी है। अब बांग्लादेश को टेस्ट के बाद अब T20 में भी व्हाइट वॉश करना है, क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश का जो घमंड है कि हम इंडिया से बेस्ट क्रिकेट खेलकर टेस्ट सीरीज हारे हैं, वो उनका घमंड दूर हो जाए बात तो सही है। और उन्हें ये रियलाइज हो जाए कि इंडिया से हमारा दूर दूर का कोई कंपेरिजन नहीं है और ना था, और आगे होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी भी नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 T20 मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को खेला जाएगा और दूसरा 9 अक्टूबर को और तीसरा 12 अक्टूबर को। ठीक है समरिया। और इन तीनों मुकाबले के लिए इंडिया ने अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया है। आप ये स्क्वाड देख भी सकते हैं, जिसमें सूर्य कुमार यादव हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, संजू सैमसन हो गए, रिंकू सिंह हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, रियान पराग हो गए, नीतीश कुमार रेड्डी हो गए, शिवम दुबे हो गए, वॉशिंगटन सुंदर हो गए, रवि बिश्नोई हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, जितेश शर्मा हो गए, अश्वदीप सिंह हो गए, हर्षित राणा हो गए और मयंक यादव हो गए। इंडिया ने अपना 15 प्लेयर का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जिसमें सुमन गिल, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये तो हो गया टीम इंडिया का स्क्वाड, लेकिन टीम इंडिया का प्लेइंग 11 क्या होगा, क्योंकि बेस्ट कॉम्बिनेशन उतरना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है पहले दूसरे तीसरे T20 मुकाबले के लिए। चलो भाई देखो अपने क्या करते। तो मैंने जो प्लेइंग 11 बनाया है, मैं आप लोगों को बता दूं, जिसमें संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा को मैंने ओपनर रखा है, उसके बाद तीसरे नंबर पे सूर्य कुमार यादव हो गए, चौथे पे शिवम दुबे हो गए, पांचवे पे रिंकू सिंह, छठे पे रियान पराग, सातवें पे हार्दिक पांड्या, आठवें पे वॉशिंगटन सुंदर, नवे पे रवि बिश्नोई, दसवें पे अश्वदीप सिंह और 11वें पे मयंक यादव। तो ये है मेरा प्लेइंग 11 इंडिया और बांग्लादेश के T20 सीरीज के लिए। तो आप लोग भी अपना प्लेइंग 11 जरूर बताइएगा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच क्या हो सकता है बेस्ट प्लेइंग 11। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रॉकी राजपूत, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।